हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन एंट्री नोटिफिकेशन नंबर 3rd 2022, इसके बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें कि आप लोगों को इसकी जानकारी दी थी कि इसमें क्या डिटेल्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो और फॉर्म को फिलअप करके सेंड कर सकते हो। साथ ही साथ जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि स्टार्टिंग में आपको जरूरी होगी, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे इसके बारे में, उनके लिए वो भी मैं बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एनडीए 2022 के लिए अनअकैडमी लेकर आ गई है परिश्रम एनडीए 2 कंप्लीट हिंदी बैच कोर्स। अगर आप एनडीए 2022 की तैयारी करना चाहते हो तो इसमें इनरोल कर सकते हो। इसकी स्टार्टिंग हो रही है 18 मई 2022 को और ये चलेगी 14 अगस्त 2022 तक। एडुकेटर्स इंडिया के टॉप एडुकेटर्स हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, जनरल स्टडीज के लिए और साइंस के लिए अलग अलग एडुकेटर्स आपको मिल जाएंगे। खास बात यह है कि एनडीए रिजल्ट में 3500+ अनअकैडमी लर्नर्स पास हुए विद फ्लाइंग कलर्स। तो आप इनरोल कर सकते हो। इसके लिए इनरोल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसके थ्रू जाकर के आप इनरोल कर सकते हो। अभी आपके पास एक ऑफर भी है यहाँ पे, अगर आप एनडीए का सब्सक्रिप्शन लेते हो अकेडमी पे तो 20% तक सेव कर सकते हो बिफोर मई 19 11:59, यानी कि रात के 11:59 PM तक आप इनरोल कर लेते हो 19 मई 2022 तक। मतलब 19 मई 2022 को 11:59 तक आपके पास ऑफर है। अगर आप मेरा कोड ABSTUDY10 यूज करते हो और इनरोल करते हो तो 20% आपको ऑफ मिलेगा। वैसे आपको 10% ही ऑफ दिया जाता है। तो इनरोल करो, फायदा उठाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेट्स क्रैक इट। अब शुरू करते हैं। आप लोग जैसा कि नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए, साथ ही साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के थ्रू जाकर वहां पे ज्वाइन कर लेना है। वहां पे मैंने डाल दिया है ऑलरेडी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पोस्टल एड्रेस की बात करते हैं। तो जो आपको फॉर्म सेंड करना है वो इस एड्रेस पे सेंड करना होगा। ये जैसा कि देख सकते हो ये पोस्टल एड्रेस है। उसके बाद पोस्ट लोअर डिवीजन कलर LDC के लिए है। टोटल वैकेंसीज 4 है अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे जनरल में 1, OBC के लिए 1 और SC के लिए 2 वैकेंसीज है। ठीक है, एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स रखी गई है। 28 नवंबर 2021 को ये जो है डिटरमाइन किया जाएगा उसी डेट से, यानी 28 नवंबर 2021 को मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। अगर आप ओबीसी से हो तो आपकी एज 18 से 28, और अगर आप की कैटेगरी SC ST है तो आपकी एज जो है वो 18 से 30 साल इस डेट को होनी चाहिए। और अगर आप हो फिजिकली हैंडीकैप तो आपकी एज 18 से 35 रहेगी, तब भी चलेगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो 12th पास होना जरूरी है। साथ ही साथ आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए ऑन कंप्यूटर। ओके, अब बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद आपने फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स की जांच होगी। उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स को जो है वो भेजा जाएगा रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड। और उसके बाद सिलेबस क्या होगी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीजें इसमें होने वाली है। आप लोग जब सेंड करोगे उसके बाद आपका पेपर होगा, बुलाया जाएगा और बाकी सारी चीजें होंगी, शॉर्टलिस्टेड करके लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग होगी अगर आप क्लियर कर लेते हो तो। लास्ट डेट इसके लिए रखी गई है 30 डेज, मतलब आप जून में 13 जून तक अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग कैसे अप्लाई करना है। आपको ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड फॉर्मेट में भेजना है, टाइप कराना है हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप करा सकते हो, और उसके बाद आपको अपना सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखना है और उसके बाद सेंड करना है। एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से टाइप होना चाहिए, और उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट फोटो साइज, पासपोर्ट फोटो जो है वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो भी यूज होना चाहिए यहाँ पे, और 10 रुपीज का स्टैम्प भी आपको लेना होगा। कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड कैटेगरी अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर, ये इस तरीके से आपको लिखना होगा जो इनवेलोप आपके पास होगी उसमें, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी उसमें अफिक्स करने होंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें हम फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन की, तो ये कुछ इस तरीके से है, लेकिन हमें जो रीजनल वाला है, जो मेन वाला है सिर्फ फॉर्म, वो दिखाता हूं।
टेलीग्राम पर डाल दिया है, इसी को आपको फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पे लिखा है ना, एलडीसी के लिए आपको भेजना है इन डैश यूनिट, जो भी यूनिट में आप डालना चाहते हो। पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे आपको पोस्ट का पूरा नाम लिखना है। नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे लिखना है अपना नाम ब्लॉक लेटर्स में, मतलब कैपिटल लेटर्स में। फादर्स नेम लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ डालोगे। उसके बाद अगर बात करें एज एज ऑन द लास्ट डेट, लास्ट डेट जो होगी उस दिन एज आपकी कितनी हो रही है वो ईयर्स में, मंथ में और डेज में लिखना है। तो आगे जो चीजें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि आपको एड्रेस देना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी है यहाँ पे, और कोई एक्सपीरियंसेस है तो वो भी आपको यहाँ पे ऐड कर देने हैं, अटैच कर देने हैं। ये जो है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए रखा गया है। एक्नोलॉजमेंट कार्ड, ये ही एडमिट कार्ड के रूप में आपको प्राप्त होगा अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हो तो। तो कुछ इस तरीके से फिलअप करके और आपको वो इनवेलप में डाल करके और इसे सेंड कर देना है, जो एड्रेस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताई उस एड्रेस पे। बाकी कुछ करने की नीड नहीं है। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से और चीजें करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टा पे पूछ सकते हो, कहीं पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो में यही बताना था आप लोगों को, सेंड करो। और एक और चीज, आपको लग रहा होगा कम वैकेंसीज हैं, चाह रही हैं तो क्या अप्लाई करना, बहुत कम लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, इसलिए मे बी आपका चांस बन जाए, तो आप जरूर इसके लिए सेंड करना फॉर्म अगर आप एलिजिबल होते हो तो। इस वीडियो में यही बताना था, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।